गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का नया साल बहुत अच्छा जाए और नए साल में आपको बहुत सारी खुशियां मिले, रिजल्ट्स अच्छे रहे आप लोगों के। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्लान प्रेडिंग GPB 211। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान प्रेडिंग। इसमें जो हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो अलग अलग क्रॉप्स रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके थर्ड ईयर में आएंगे, थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में। अभी हमारे पास सिर्फ जनरल्स हैं, ठीक है। जनरल टॉपिक है कि क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान ब्रीडिंग, तो हायर यील्ड, अधिक उपज, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी जो गुण है उसमें वृद्धि होनी चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी, कीट और रोग रोधी वेराइटीज, किस्मों का जो है हमें परिवर्तन करना है, डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट ऑफ वेराइटीज विद इंक्रीज एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी, उनकी जो गुणवत्ता है वो इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। सिंक्रोनस मैच्योरिटी की बात करें तो मूंग बीन्स डू नॉट मैच्योर एट सेम टाइम। सिंक्रोनस मैच्योरिटी, सारी की सारी फसल एक समय पर मैच्योर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ फसल जो है वो पहले मैच्योर हो रही है, कुछ बाद में हो रही है। तो हमें ऐसे एक उदाहरण लिया गया कि मूंग के जो फलियां हैं वो सेम एक ही समय पर मैच्योर नहीं होती है, तो ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है जब हम मूंग की कल्टीवेशन करते हैं। अर्ली मैच्योरिटी में हम बात करें कि जो शीघ्र परिपक्वन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, इसका उदाहरण हम लेंगे कि क्रॉप रोटेशन राइस का और वीट का हम इसीलिए करवाते हैं क्योंकि राइस पहले पक जाते हैं, ठीक है। इसलिए तो वर्क इज इन प्रोग्रेस फॉर अरहर, जो अरहर की दाल है उसके लिए काम अभी जो है रिसर्च डेवलपमेंट में चल रहा है। फिर हम डॉर्मेंसी की बात करें तो कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनकी डॉर्मेंसी बहुत लंबी चलती है और कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी डॉर्मेंसी कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे ज्वार और मूंग है। इनकी जो सीड है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं रेन सीजन में, क्यों? क्योंकि रेन जैसे ही आती है तो इनकी जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं, जबकि वहां पर हमें डॉर्मेंसी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने स्टोर किए मूंग के और ज्वार के बीज और बरसात आई और वहीं पर वो जर्मिनेट कर गए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो फ्री फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस, जो फसल है हमारी उसमें कोई भी विषैले पदार्थ नहीं होने चाहिए, जैसे कि हम एग्जांपल लें सरसों का तो उसमें यूरिक एसिड पाया जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। नॉन शटरिंग, खड़ी खड़ी फसल एकदम से गिर जाना, तो वो सरसों में और मूंग की फसल में देखा जाता है, तो वो नॉन शटरिंग, शटरिंग मतलब गिर जाना और नॉन शटरिंग मतलब नहीं गिरना। तो कौन सी फसल है जो नहीं गिरती है, तो वो आप ध्यान रखेंगे वेराइटीज फॉर न्यू सीजन, नई सीजन जो जैसे वातावरण की परिस्थितियां बदल रही है उस हिसाब से नई नई किस्मों का भी विकास हमारे पास होना चाहिए, नई नई किस्में हमारे पास होनी चाहिए। फोटो इन सेंसिटिविटी वेराइटीज, ऐसी जो प्रकाश संवेदी ना हो, ठीक है। तो राइस जो है पंजाब में है और वीट जो है वेस्ट बंगाल में है। डिटर्मिनेट हैबिटेट, उन्हें पता है कि उनका जो आसपास का वातावरण है वो कैसा होगा, तो उनकी हैबिटेट क्या है, डिटर्मिनेट है। ड्रॉट एंड सॉल्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज, सूखा और लवण रोधी किस्मों का भी विकास हमने करना चाहिए इसमें। फिर हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन इंडिया। इंडिया में हिस्ट्री क्या है प्लांट ब्रीडिंग की, तो 1905 में पूसा बिहार में एम्पेरिकल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत की गई। और 1935 में अर्थक्वेक की वजह से इसको जो है ट्रांसफर किया गया न्यू दिल्ली में 1936 में, ठीक है। 1946 में इसका नाम बदल करके क्या रखा गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI। पहले क्या था, एम्पेरिकल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर हम रिसर्च स्टेशंस की बात करें, से कजरी है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर राजस्थान में है। फिर सिप्री जो है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है यूपी में। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है। आगे हम देखने जा रहे हैं कि एक्टिविटीज क्या क्या है प्लांट ब्रीडिंग में। ये हमारा बेसिक जो है आउटलाइन रहेगा कि हम प्लांट ब्रीडिंग में क्या क्या एक्टिविटीज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम किस्मों का विकास कैसे करेंगे, ठीक है। क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, हम विभिन्नता कैसे ला रहे हैं, तो हम पहली बात करें डोमेस्टिकेशन की, फिर बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। फिर हम बात करें जर्म प्लास्ट कलेक्शन की, म्यूटेशन की, प्लांट इंट्रोडक्शन, पादप स्थापना, पॉलीप्लॉइडी,
जेनेटिक इंजीनियरिंग और समाक्लोनल वेरिएशन। इन सब में से जब हम लोग क्रिएशन कर लेंगे कुछ ऐसी एक विविधता की जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो गुण हमें चाहिए, तो फिर हम उसका करेंगे सिलेक्शन। गुड क्वालिटी लाइन्स का हम सिलेक्शन करेंगे यहाँ पर भी, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे उसके जो भी गुण है, ठीक है, और लीड्स टू इम्प्रूव्ड क्रॉप्स और एक जो सुधरी हुई किस्म है उसका विकास करेंगे। फिर हम आगे स्टेप आएगा हमारे पास इवेल्यूएशन। इवेल्यूएशन में हम क्या करते हैं कि हम कंपैरिजन करते हैं नई और पुरानी किस्मों का कि किसकी जो है यील्ड दो सालों में सबसे ज्यादा आ रही है, दो या अधिक सालों में का हम कंपैरिजन करेंगे। डन बाय ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स, ये सारा का सारा इवेल्यूएशन किसके द्वारा किया जाता है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स द्वारा। ओनली अफेक्टेड न्यू वेराइटीज आर रिलीज, जो अफेक्टेड हैं, जो सही में नई वेराइटीज हैं जिनके गुण हमें चाहिए उन्हीं को रिलीज किया जाता है। मल्टीप्लीकेशन में सीड जो है उनको मल्टीप्लाई किया जाता है और मार्केटिंग की जाती है बाय नेशनल एंड सीड स्टेट सीड कॉरपोरेशन, नेशनल एंड स्टेट सीड कॉरपोरेशन द्वारा की जाती है। फिर उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ये ओवरऑल एक्टिविटीज हैं जो कि प्लांट ब्रीडिंग में परफॉर्म की जाती है। फिर हम कुछ प्लांट ब्रीडर्स की बात कर लें कि इंडियन प्लांट ब्रीडर्स कौन कौन से हैं। तो टीएस वेंकटरमन की बात कर रहे हैं, ब्रीडर ऑफ शुगर केन जिन्हें कहा जाता है, नोबलाइजेशन ऑफ इंडियन शुगर भी इन्होंने दिया था। फिर बीपी पॉल है, एनपी सीरीज दी थी इन्होंने वीट की जो कि रोधी है, रोग रोधी। एमएस स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सी टी पटेल जो है इन्होंने एक डिवेल्प की थी हाइब्रिड वेराइटी ऑफ कॉटन, ठीक है, H4, तो फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन कहे जाते हैं। अब हम बात करें कि हमारे जो प्लांट ब्रीडिंग है उसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। तो वाइल्ड स्पीशीज से हमें कल्टीवेटेड स्पीशीज बनाना है, हमें जो जंगली किस्में हैं उनसे हमें कृषि योग्य जो स्पीशीज हैं किस्में हैं उनका विकास करना है। तो देयर आर मोर टू वर्क टू इम्प्रूव नॉन वेराइटीज, जो अभी हम ज्ञात जो हमारी किस्में हैं उन्हीं को ही सुधार करने में बहुत काम है बाकी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज इज ऑलवेज अ फील्ड ऑफ फोकस इन प्लांट ब्रीडिंग, सुधार करना, परिवर्धन करना, किन में रोग रोधी और कीट रोधी किस्मों का विकास करने के लिए जो हमें खेत में या हमारे जो फील्ड में चाहिए वो ज्यादा जरूरी है इसमें प्लांट ब्रीडिंग में। द रीजन फॉर दिस इज दैट डिफरेंट रेसेस आर ऑब्टेन्ड बाय इन्फेक्टिंग देम विद इंसेक्ट्स एंड पैथोजन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रेजिस्टेंट वेराइटीज। कई बार क्या है, हमें रोग रोधी और कीट रोधी किस्मों का विकास करने के लिए हमें जो शुद्ध लाइन होती है उसके ऊपर बहुत सारे पैथोजेंस और कीट्स का इन्फेक्शन करवाना पड़ता है। तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से हमें कीट रोधी और रोग रोधी किस्मों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो रेजिस्टेंट वेराइटीज बिकम ससेप्टेबल, जो रेजिस्टेंट होती हैं, जो रोधी वेराइटीज होती है, रोधी किस्में होती हैं, वो ससेप्टेबल हो जाती है जब वो उनके ऊपर कीट और रोग छोड़ते हैं। और टू ऑब्टेन रेजिस्टेंट वेराइटीज कंटिन्यूसली, और उसी वजह से हमें जो है बार बार उससे रोधी किस्में उत्पन्न करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें, टू ऑब्टेन ट्रांसजीन्स आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ट्रांसजीन क्या होते हैं, एक जीन और दूसरे जीन के बीच का जो है वो हमें ऑब्टेन करना है, तो हमें उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कह रहे हैं। और वेराइटीज को क्या कह रहे हैं, ट्रांसजेनिक वेराइटीज। फिर हम बात करें अचीवमेंट्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग की बात करें, तो इसमें नोबलाइजेशन ऑफ शुगर कीन है जो कि टीएस वेंकटरमन ने दी थी एंड बारबर ने दी थी कोयम्बटूर में। इंडियन शुगर कीन के ऊपर उन्होंने वर्क किया था, दो इंडियन शुगर कीन ली थी नॉर्थ इंडिया में और ट्रॉपिकल रीजन में। नॉर्थ इंडिया में जो ली थी सैकरम बेरबेरी थी जिसका जो तना था हार था, यील्ड कम थी और शुगर का जो लेवल था बहुत कम था। फिर हमें जो ट्रॉपिकल रीजन से ली थी सैकरम ऑफिसी नरम थी जिसका जो तना था सॉफ्ट था और डिजीज ग्राही थी, ये रोग ग्राही थी, ठीक है, कीट ग्राही थी। यील्ड इसकी कम जो है ज्यादा थी और शुगर लेवल भी इसका ज्यादा था, तो इसको नोबल शुगर केन कहा गया था कि ये है तो नोबल शुगर केन, लेकिन इसकी कीट रोधित जो कीट ग्राही वाली जो थी उसको बदलना था हमें, और जिस तना सॉफ्ट है ठीक है वो भी चेंज करना था थोड़ा सा। तो हमने क्या किया, दोनों ली, पहले हमने क्या किया, जो हाइब्रिड शुगर केन बनी दोनों के क्रॉस से, हाइब्रिड शुगर केन नोबल शुगर केन बनी, उसमें क्या था जब सो की गई, उसको सोइंग की गई तो सीवियरली इफेक्टेड बाय डिजीज होनी थी क्योंकि यहाँ पे नोबल शुगर केन जो है रोग ग्राही थी, तो इसका क्रॉस करवाया गया सैकरम स्पॉन्टेनम से,
ठीक है, यहाँ क्रॉस करवाया गया तो अगली शुगर केन जो हमारे पास आई वो आई रोग रोधी। अब ये क्या है, इम्प्रूव वेराइटी ऑफ शुगर केन है जिसको नोबलाइज्ड कहा गया। नेक्स्ट हम बात करें सेमी डॉफ वेराइटी ऑफ व्हीट के बारे में, जो कि एन ई बॉर्लॉन्ग ने दी थी और ये सिमिट से के द्वारा किया गया था। जापान में एक वेराइटी है नॉरिन 10, वहां से RHT1 और RHT2 ये जीन्स लिए गए और एक प्लांट में डाले गए, जिसकी वजह से उस प्लांट की हाइट इंक्रीज हो गई। पहले हाइट छोटी थी, तो 18 टन पर हेक्टेयर जो है 1962 में जिसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, और 18 टन पर हेक्टेयर इसकी यील्ड आई थी। सिलेक्शन जो है ऑफ कल्याण सोना और सोनालिका जो है इसी बेस पे किया गया है। वेराइटी ऑफ वीट इन इंडिया जो है 7th सेंचुरी से ये वर्क कर रही है, कल्याण सोना और सोनालिका। फिर हम बात करें ड्राइफ वेराइटी ऑफ राइस, राइस की जो बोनी किस्म है ताइवान और राइजा सटाइवा में जेपोनिका थी। ठीक है, ऑप्टेन ड्वाफ जीन फ्रॉम कौन सी, कहां से ऑप्टेन किया गया था ड्वाफ जीन, डी जीओ वू जेन से। अभी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से नोट डाउन करने वाले इसमें, द लाइन्स विद डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स आर कॉल्ड स्ट्रेन। ऐसी लाइन्स जिनके जीनोटाइप और फिनोटाइप डिफरेंट होते हैं उनको क्या कह रहे हैं, स्ट्रेन कह रहे हैं। जब एक स्ट्रेन इज रिलीज्ड बाय वेराइटी रिलीज कमेटी इज कॉल्ड वेराइटी। जब एक स्ट्रेन रिलीज किया जाता है किसी एक वेराइटी का, वेराइटी रिलीज कमेटी होती है, उसने कोई स्ट्रेन रिलीज किया तो उसको क्या कह रहे हैं, वेराइटी। अब ताइवान TN1 है और फिलीपींस से की जो है एराई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने IR8 इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर है, इन दोनों का जब क्रॉस किया तो इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है, 1966 में क्या किया, बट वॉज ससेप्टेबल टू लीफ ब्लाइट, पर नशीनता ग्राही थी। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ राइस, राइस की रोग रोधी वेराइटीज कौन सी हैं, जया, रत्ना, आकाशी, IR36, फोटो इनसेंसिटिव वेराइटीज जो हैं वो भी हैं। ठीक है, वीट राइस यूज इन क्रॉप रोटेशन, दोनों को क्रॉप रोटेशन में ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम कायिक परिवर्तन की बात करें, कायिक वृद्धि की बात करेंगे, इसमें सारी कायिक जनन की बात करें, तो नो रोल ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट्स का कोई योग नहीं है इसमें। ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट्स जो है प्लांट के वही सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे कायिक जनन में। अंडरग्राउंड स्टेम पहले एग्जाम्पल लिया इसमें कि जो नीचे तना है जमीन के नीचे उससे कैसे वृद्धि होगी, तो राइजोम में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं हल्दी का और अदरक का, बल्ब में हम ले रहे हैं ओनियन और गार्लिक, प्याज और लहसुन, शक्कर में हम पुदीने का ले रहे हैं, रनर में हम घास ले रहे हैं, कॉम में अरबी और ट्यूबर में पोटेटो। फिर हम एग्जाम्पल नेक्स्ट बात करें कटिंग, कटिंग से हम कैसे कर सकते हैं कायिक जनन, तो स्टेम की कटिंग से हम रोज, शुगर केन और पॉमीग्रेनेट, रोज, गन्ना, ये गुलाब, गन्ना और अनार। रूट से हम लेमन और ऑरेंज कर रहे हैं, लेमन, नींबू, ऑरेंज, किन्नू। लेयरिंग से हम अमरूद और अंगूर करेंगे, ग्राफ्टिंग से हम मैंगो और पियर। ठीक है, लैंगिक जनन में देखें कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, फिर अब हम मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन जो है फ्यूजन होता है, विच बाय मेटामॉर्फोसिस, धीरे धीरे उसमें जो है सेल्स की वृद्धि होने से क्या होगा, बिकम एम्ब्रियो एंड देन कन्वर्ट इनटू प्लांट। तो ये हमने जनरल जो फीमेल गैमेटोफाइट का एग्जाम डायग्राम दिखाया है, जिसमें हमने दिखाया है एक माइक्रोपाइल एंड और एक चलेज, माइक्रोपाइल एंड और एक चलेजल एंड, माइक्रोपाइल एंड में यहां पर क्या दिखाया है, बीच में एक सेल, दो साइड पे सिनर्जिस एंटीबोडल सेल्स है और ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये न्यूसेलस, ये इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, फिर निकल हीलम। तो डबल फर्टिलाइजेशन की जब हम बात करें तो यहां पर देखिए कि मेल न्यूक्लियस जब एग सेल से फ्यूज करेगा तो जाइगोट डिप्लॉयड सेल की प्रोडक्शन होगी, और जब मेल न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा तो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स में हम जब बात करते हैं तो हम फ्लावर की बात करते हैं, तो यहां एक फ्लावर का डायग्राम देख लें कि देखिए ये फ्लावर का डायग्राम है, जिसमें हम एक्सेसरी वर्ल्स की बात करें कि जो जरूरी नहीं है वो वर्ल्स पेटल और सेपल आते हैं। पेटल कोरेला कह रहे हैं उसके पूरे चक्र को, और सेपल के पूरे चक्र को हम कह रहे हैं कैलक्स। जो पेटल है वो कलरफुल होते हैं ताकि वो पॉलिनेशन में हेल्प कर सके, और सेपल जो है ग्रीन इन कलर होते हैं, नीचे इसके थैलेमस जहां पर ये लगा हुआ है पुष्प। ठीक है,
ठीक है। फिर हम यहाँ पे बात कर लें इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, एंथर की बात करें, एंड्रोशियम स्टैमन की, एंड्रोशियम स्टैमन का पूरा वर्ल, स्टैमन एक नहीं होता, कई सारे होते हैं, जो ग्रुप सर्कल है उसका, उसको एंड्रोशियम कह रहे हैं। एंथर फिलामेंट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखिए यहाँ पर ये ओवरी है, ओवरी में ये ओव्यूल्स लगे हुए हैं जो आगे जाके आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बनाएंगे, और ओवरी जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट बना रही है। स्टाइल है, स्टिग्मा है, गाइनोशियम इसका जो है पूरे वर्ल्ड को कह रहे हैं, एक से ज्यादा गाइनोशियम अगर पिस्टल या कार्पल प्रेजेंट है तो उसको गाइनोशियम कह रहे हैं। कंप्लीट फ्लावर किसको कहते हैं, जिसमें चारों वर्ल्ड, चारों चक्र उपस्थित हों, कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, ये चारों चक्र उपस्थित हों, तो वो कंप्लीट फ्लावर है, पूर्ण पुष्प है। इनकम्प्लीट, अपूर्ण पुष्प कौन सा है, जिसमें कोई एक वर्ल्ड अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, तो उसको अपूर्ण पुष्प कह रहे हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, कैसे बन रहे हैं माइक्रोस्पोर्स, पोलन सैक दिया हुआ है, पराग पुट दिया हुआ है और लोब्स बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये एंथर और फिलामेंट दिखा हुए, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो 2N रहेगा, 2N में जब मियोसिस होगी तो 4 माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। फिर हम बात कर लें मेगास्पोरोजेनेसिस में, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, इसमें भी देखिए कि क्या हो रहा है, एक जो है बीजांड बनने के, बीजांड काय बनने के लिए सबसे पहले क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल होगी, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी तो ये 4 बनेंगे, ठीक है। इन 4 में से कोई एक जो है इस तरह की संरचना बनाएगी, 4 में से देखिए 3 डीजनरेट हो जाएंगे और एक बनेगा, वो बनाएगा ये फीमेल मेगा, फीमेल गेमेटोफाइट। पॉलिनेशन जो होगी वो कीट से होगी, तो उसको क्या कह रहे हैं, एंटमोफिली, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में मेल और न्यूक्लियस एग से फ्यूज करेगा तो जाइगोट, डिप्लॉयड मेल न्यूक्लियस, अगर पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा तो एंडोस्पर्म। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होते हैं, होपफुली आप सबको ये पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसको, वीडियो को लाइक करेंगे और आगे इसको, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने जो बैचमेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ शेयर करेंगे। इसमें वही टॉपिक्स बताए गए हैं जो एग्जाम्स में आए हैं, या वही टॉप लाइन्स बोली गई हैं जो एग्जाम्स में पहले पूछी गई हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।